आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है। और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू, आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से, जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है। तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में, वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो। इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी। मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में, तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है। और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू, आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से, जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है। तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में, वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से रहे हो। इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी। मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में, तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के एक मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के एक मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दूँ आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दूँ आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू, आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फहद फासिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नमिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुम लोग इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी की जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करके एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू, आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फहद फासिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नमिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुम लोग इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी की जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करके एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेसलेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुम लोग इससे पहले मलयालम मूवी देखी होंगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उस तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेसलेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुम लोग इससे पहले मलयालम मूवी देखी होंगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उस तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू, आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से, जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में, वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुम लोग इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी की जो स्टोरीज होती है बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊँ, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करके एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में, तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू, आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से, जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में, वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुम लोग इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी की जो स्टोरीज होती है बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊँ, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करके एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में, तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के एक मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजर रहे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताओ, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उस तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के एक मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताओ, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उस तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेसलेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेसलेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फहद फासिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है अगर तुम लोग इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फहद फासिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है अगर तुम लोग इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के एक मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताओ, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के एक मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताओ, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजर रहे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजर रहे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फहद फासिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेसलेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फहद फासिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेसलेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊँ, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊँ, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लेन एंड नामिता बाइजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजर रहे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तुम वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लेन एंड नामिता बाइजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजर रहे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तुम वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू, आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फहद फासिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेसलिन एंड नमिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुम लोग इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी की जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करके एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू, आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फहद फासिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेसलिन एंड नमिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुम लोग इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी की जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करके एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करके एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करके एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेसलेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुम लोग इससे पहले मलयालम मूवी देखी होंगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उस तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेसलेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुम लोग इससे पहले मलयालम मूवी देखी होंगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उस तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेसलेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेसलेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू, आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से, जो कि 2024 के एक मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फहद फासिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में, वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में, तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू, आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से, जो कि 2024 के एक मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फहद फासिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में, वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में, तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लेन एंड नामिता बाइजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लेन एंड नामिता बाइजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दूँ आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दूँ आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू, आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से, जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में, वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में, तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू, आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से, जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में, वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में, तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजर रहे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजर रहे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फहद फासिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेसलेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है अगर तुम लोग इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फहद फासिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेसलेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है अगर तुम लोग इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू, आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से, जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फहद फासिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नमिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में, वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुम लोग इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी की जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में, तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तुम वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू, आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से, जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फहद फासिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लिन एंड नमिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में, वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुम लोग इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी की जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में, तो ये मूवी अभी हिंदी में, इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तुम वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के एक मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजर रहे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताओ, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उस तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, ए टू जेड तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के एक मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेस्लेन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एक जगह जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है, अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताओ, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी ओटीटी राइट्स वगैरह था उस तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है ओटीटी राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेसलिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो तुम लोगों को मैं इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फाइनली आज मैं तुम लोगों के बीच एक मूवीज की रिव्यू करने वाली हूँ जो कि एक मलयालम मूवी है। इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे हो रही है, और तो इस मूवी के बारे में मैं तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इस मूवी की रिव्यू दूंगी, इसके अलावा मूवी की स्टोरी कैसी थी, मूवी तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, मूवी मतलब की एक बात में कि मूवी किस टाइप की मूवी थी, तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम अगर देखना चाहो तो इस मूवी को कैसे कहाँ पर देख पाओगे, पूरी तुम लोगों को डिटेल्स भी इस मूवी के बारे में तुम लोगों को मैं जानकारी देने वाले हूँ, A to Z तुम लोगों को बताऊंगा। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और तो पहले बता दू आज जो मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिरी मालू, जो कि एक लव स्टोरी मूवी से जो कि 2024 के मलयालम लैंग्वेज मूवी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है गिरीश एडी ने एंड प्रोड्यूस किया है भावना स्टूडियो से, जो कि फसिल एंड उनके दोस्त एंड वर्किंग क्लास हीरोज के कंपनी है। तो इस फिल्म में जो हमें लीड रोल पे हमें देखने को मिलेगी नेसलिन एंड नामिता बायजू। तो पहले तुम लोग इस मूवी की स्टोरी बता दो, एक लव स्टोरी बेसिकली मूवी है, तो मूवी में तुम्हें लव स्टोरी एकदम एग्जैक्ट जो भी चीजें आजकल के टाइम में होता है रियलिटी में वही तुम्हें रियलिटी के तरह तुम्हें दिखाया गया है। तुम्हें इस मूवी को देखते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम भी इस चीज से कभी ना कभी इस चीज से रहे हो, इस टाइप के मूवी इस मूवी में बनाया गया है। और मूवी बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन एक मूवी थी, मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी। और मलयालम मूवी तुम्हें पता है अगर तुमने इससे पहले मलयालम मूवी देखी होगी तो मलयालम मूवी के जो स्टोरीज होते हैं बहुत ही अच्छी खासी बेहतरीन मूवीज होते हैं। और मूवी ऐसे मूवी है तुम्हें क्या बताऊं, मूवी की बजट जस्ट 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 136 करोड़ के कलेक्शन करते एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तो मलयालम में आप सोच सकते हो 3 करोड़ की मूवी 136 करोड़ की कलेक्शन किया तो कितना बढ़िया एक मूवी हो सकता है। तो तुम लोग अगर अभी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी में तो ये मूवी अभी हिंदी में इस मूवी जो भी OTT राइट्स वगैरह था उसको डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने बाई किया है हिंदी में। अगर तुम तेलुगु तमिल में देखना चाहते हो तो इसको आहा ने बाई किया है OTT राइट्स, तो वहां पर जाके भी देख सकते हो अगर तुम तमिल तेलुगु समझते हो तो। अगर आप तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन टेलीविजन राइट्स की अभी मुझे पता नहीं है। आगे चल के अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलता है तो